उनके तांबे के प्रकांड विद्वान होने की बात हुई होगी, एक सामवेदी होने की बात जरूर होनी ही चाहिए, क्योंकि वो वाराणसी के काशी के कुछ खास गिने चुने लोगों में से एक, और उनके जाने से निधन से ये दोनों ही परंपराएं कहीं से चरमराई तो जरूर होंगी निश्चित रूप से। इतनी यादें हैं कि उनको समेटना और उनके बारे में बोलने का ये ना वक्त है और ना ऐसा होना चाहिए। बचपन से काफी साथ बीता, मुझे याद आता है रामचंद्र भैया हम लोग को होली के अवसर पर बैठ करके, होली के एक दिन पहले बैठ के हम लोग गाना बजाना भी करते थे, जिसमें इसका उलट भी हुआ था कि वो गाते और हम तबला बजाते, ऐसा भी है, वीडियो लगा हुआ है। यह भी हम लोगों का एक समय बहुत ही साथ का बीता है, और उसमें धीरे धीरे और जुड़ाव बढ़ता चला जा रहा था। मुझे याद है कि जब उनके पिताजी जो मेरे गुरुजी पंडित मुकुंद विष्णु कालबिल जी के बहुत ही सुहृद सहृदय दोस्त रहे हैं, बहुत ज्यादा मित्रता थी दोनों में, उनके निधन के बाद पुण्यतिथि पर उन्होंने मुझे गाने के लिए कहा और साथ में ये आग्रह भी कह लीजिए, और चूंकि वो उनसे बड़े हैं तो मैं इसको निर्देश मांगता हूँ, निर्देश भी दिया कि पिताजी की कुछ बंदिशें तुम जरूर सुनाना। तो मैंने कहा मुझे तो आती नहीं है, आके सिखा देना। तो मेरे मदनपुरा स्थित पुराने घर में आकर के मुझे दो बंदिशें पुंडलिक जी ने सिखाई, एक बैरागी भैरव की अति कठिन विराग जो मैं आज भी गाता हूँ, और दूसरी रचना सुमिर नित राम, ये देवकंठा है था। सारा बरानी भी एक बार मैंने गाया उनके पिताजी की पुण्यतिथि के अवसर पर, तो ये एक संबंध था जो चलता ही था। संकट मोचन में बहुत वर्षों बाद, कई दशकों बाद मेरी एंट्री हुई, तो उसमें भी पुंडलिक जी ने ही बजाया। मुझे यह भी याद है कि 51 वर्ष में जब मेरा एक समारोह मेरे शिष्यगणों ने 51 घंटे का किया, तो उसमें से कुछ नहीं तो कम से कम 6-7 घंटे तो उन्होंने जरूर दिए, स्वतः प्रणोदित होकर के दिए। उन्होंने किसी के ऐसे भी, वो किसी की जबरदस्ती से सुनने वाले व्यक्ति तो थे नहीं, उनका मन करता था तभी जाते थे, अपने मन के मर्जी के मालिक थे, और पता नहीं ऐसे भी मन की अपनी मर्जी थी जो चले भी गए, और बिना किसी को इत्तला किए, किसी को किसी प्रकार का भनक भी नहीं होने दिया, बैठ करके गाना बजाना सुनते रहे, और अचानक से रात तक, सुबह तो यकीन ही नहीं हो रहा था। मुझे राजेश शाह जी का मैसेज आया कि तुमको कुछ पता चला पुण्डलिक जी के बारे में, कहा क्या हुआ, तो बोले कि हार्ट अटैक। तो हमने कहा अच्छा अच्छा कहाँ भर्ती है, कहाँ पे है, तो बोले कि नहीं गुजर गए हैं। सुबह 5 बजे का वक्त था, और मैं उस समय ऐसे जनरली नहीं उठता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे ही नींद पता नहीं क्यों खुली थी, और मैं मोबाइल की और सबका जैसे हाथ बढ़ ही जाता है, मेरा भी बढ़ गया, तो इतना शॉक्ड और इतना शॉकिंग सब कुछ था। तो 51वें वाले जन्मदिवस पर भी वे लगातार कई बार, 2-3 बार आ करके मुझे, एक तरह से थोड़े से बड़े थे, बाल सखा भी थे तो 1.5 साल बड़े थे, ज़्यादा बड़े नहीं, लेकिन एक तरह से कह के आशीर्वाद कहिए या शुभकामना उन्होंने दी। लेकिन एक पहलू ऐसा भी है जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा, और वो था कि वे कुछ कविता लिखने का भी प्रयास करते थे। हाँ, मैंने ये कहा ही नहीं कि वे बहुत अच्छा गायक भी थे, और एक जिद में उन्होंने गायन का रियाज तो पहले भी करते थे, लेकिन इतने अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए जिसमें से आचार्य स्मृति वहाँ पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, फिर कला प्रकाश की ओर से ये कोठी जो है वहाँ पे ठठेरी बाजार के अंदर शेर वाली कोठी, वहाँ पे मैं मौजूद था, मैं सुनता था, बहुत अच्छा भी लगता था। लेकिन जो एक खास बात थी वो शायद वो हमारे उनके बीच की ही बात होगी, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा कोई खास उनका ऐसा इंटेंशन नहीं था
कि वे कविता लिखे, हो सकता है थोड़ा बहुत, कौन नहीं लिखता है, वैसे ही लिखते होंगे, जैसे गाना कौन नहीं गाता है, तो थोड़ा वो कविता भी लिखते होंगे। तो मेरी 25वीं साल शादी की 25वीं साल की थी, तो एक कविता वो लेके आए और हमसे कहा कि ये तुम्हारे लिए लिखा है मैंने। तो हमने कहा कि बहुत, अरे तो बहुत ही बड़ी बात हुई, आपने इतना अच्छा गिफ्ट मुझे दिया, क्योंकि मैंने मना किया हुआ था कि कोई भी गिफ्ट नहीं लाएगा, तो उन्होंने ये उचित समझा कि कविता लिख के ले जाते, ये अंदर की बात है, हृदय की बात है, ले करके आए। तो हमने कहा कि पढ़ के सुनाइए भी, आप भी सुनाओ, तुम ही सुनाओ। तो बाई चांस वो मेरे पास, ये 2016 की बात है, करीब 7-7.5 साल पहले की बात है, उनके हाथ से लिखा हुआ ये कागज मेरे पास एक अमूल्य संपत्ति के रूप में यहाँ मौजूद है, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इसको करने से सलीके के साथ रख पाया और इसको आगे भी रखूँगा। ये मेरे हृदय के बहुत नज़दीक है। मुझे लगता है कि ये अवसर ना होते हुए भी एक बार मैं पढ़ी हूँ, हो सकता है कि आप लोगों को। प्रिय देवाशीष एवं श्रीमती सोनाली ले, सादर अभिनंदन। गुरु के प्रति जिन शिष्यों को होता है सच्चा आदर, वे ही पाते ज्ञान समुद्र, गुरु का सुर सागर वर। शिष्यों का कल्याण जो चाहे वो सच्चा है मास्टर, नहीं तो शिष्यों के धन से गुरु करते अपना मान स्तर। ना छोड़ो छतरी ऐसी तुम, जिनके नीचे तुम हो, सोनाली देवाशीष दे का आशीर्वाद को आशीर्वाद भी तुम ही हो।